आप देखते रहिए चारों तरफ, सिर्फ कबूतर खाने ही कबूतर खाने आपको नजर आएंगे। रिजन भाई ये कहलाए जाते हैं कनखुले, ये अलीगढ़ की बड़ी फेमस ब्रीड थी। तो आप देख लें दोस्तों ये तांबड़े कबूतर कनखुले तांबड़े, और कितना प्यारा जो आपने देखा था पहले से, और एक पार्ट और देखेंगे आप यहाँ पर उस्ताद नीरज जी के यहाँ आपको शो करवाने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला है। आप दिल थाम के बैठे यहाँ पर कबूतर ही कबूतर आप देखते रहिए चारों तरफ, सिर्फ कबूतर खाने ही कबूतर खाने आपको नजर आएंगे। वाह वाह वाह, ये देखें दोस्तों जवाब नहीं साहब, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हालांकि अब तो बहुत ना के बराबर है खुले। हाँ देखिए कान खुले कहते थे। अच्छा, ये हिस्सा इनका खुला हुआ होता था। अच्छा, कान के पास से। हाँ, ये वाइट जो शेड। जी 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 जी। और दोस्तों मजा आ गया होगा आपको यहाँ पर शो करके। वाह 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 वाह, ये मादीन है जी, पर दिखा दिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है हम अलीगढ़ आए हुए हैं उस्ताद नीरज जी महेश्वरी साहब के यहाँ, और ऐसे ऐसे कबूतर आपने पिछली वीडियो में देखे, और इंशाल्लाह इसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हज़ारों कबूतर हैं, 5-6 हज़ार के आसपास कबूतर हैं, और आपने लोफ्ट पहले देखे कैसे कैसे यहाँ पर लोफ्ट हैं। तो सबसे पहले तो हमें कबूतरों का शौक जो करवा रहे हैं यहाँ पर उस्ताद नीरज जी के भाई कह सकते हैं हम, पीर भाई भी हैं, पीर भाई भी हैं और वैसे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं और अजीज भी हैं। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं, बहरहाल तो हमें शौक करवाएंगे आज सोहेल भाई इन कबूतरों का, और हमारे साथ आए हुए हैं संजय भाई, संजय जैन साहब यानी कि अंकल। तो जगत अंकल हो गए आप, अंकल होते हैं अंकल मत कहो मुझे, मैंने कहा नहीं हम अंकल ही कहेंगे। तो बहरहाल अंकल आए हुए हैं, अंकल आप भी हमारे माशाल्लाह साथ में कल से हैं, तो मजे कर ही रहे हैं अपन यहाँ पर, बहुत देख रहे हैं, देख मजा आ रहा है कबूतरों में। जी जी जी, बढ़िया से बढ़िया कबूतर हैं, शानदार कबूतर हैं, शानदार कबूतर, शानदार लोग, शानदार लोग माशाल्लाह। दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ कबूतर भी, और उस्ताद नीरज जी महेश्वरी जो है माशाल्लाह उनके अखलाक तो वाकई में कहना पड़ेगा कि वाकई में काबिल तारीफ है, मेहमान नवाज अखलाक के साथ बहुत। तो दोस्तों इसी के साथ क्या दिखाने वाले हैं आज, मैं आपको पहले देवबंदी दिखाता हूँ और तांबड़े दिखाता हूँ जो मेरे उस्ताद के कन खुले तांबड़े। अच्छा, जो के मतलब उन्होंने सिर्फ ये गुलाबी और ये कन खुले ही पाले हैं हमेशा। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक वो हयात रहे जी, जी, यही रंग पालते थे, और 51 एक ही रंग के कबूतर वाते थे। जी जी जी। चलिए तो बिल्कुल शाम तक कबूतर आए, आइए चलिए दोस्तों। आप शो कर रहे हैं उस्ताद नीरज जी महेश्वरी के यहाँ, बहुत है ना, और आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों आप वीडियोस देखते आए हैं और मैंने एक बहुत लंबी वीडियो ना बना करके, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी यहाँ पर इतनी ज्यादा नस्लें हैं और इतने ज्यादा कबूतर हैं कि आप के खुद के कुछ समझ में नहीं आता, और मैं बनाना भी पॉसिबल नहीं था। जिस तरीके के यहाँ पर उस्ताद नीरज जी के यहाँ जाल हैं, कबूतर हैं, आप देख सकते हैं किस किस तरीके के। ये तो एक जो आप इतने बड़े बड़े जाल देख रहे हैं, ये इनकी छोटी छत है, और उड़ान वाली सामने जो आप छत देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा लोफ्ट बना हुआ है जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, जिसको कि आप देख चुके हैं। तो बहरहाल इन अलग अलग बड़े बड़े लोफ्टों में ये देखें आप कितने बड़े बड़े लोफ्ट हैं। वाह वाह। तो दोस्तों इस तरीके के बड़े बड़े यहाँ पर लोफ्ट, और सोहेल भाई हमें यहाँ पर शौक करवा रहे हैं इससे, और शाकिर भाई हमें शो करवा रहे हैं यहाँ पर उस्ताद नीरज जी के यहाँ पर। तो उस्ताद से पूछेंगे आज कौन से कबूतर दिखाने वाले हैं। सुहेल भाई जी, सुहेल भाई, रिजन भाई ये कहलाए जाते हैं कनखुले, ये अलीगढ़ की बड़ी फेमस ब्रीड थी। अच्छा, हालांकि अब तो बहुत ना के बराबर है खुले। हाँ देखिए कनखुले कहते थे। अच्छा, ये हिस्सा इनका खुला हुआ होता था। अच्छा, कान के पास। हाँ, ये वाइट जो शेड। जी 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 जी। और ये यहाँ अब बहुत कम। हाँ, खत्म है अलीगढ़ के ये। हाँ, फेमस थे। हाँ, ये फेमस थे मेरे उस्ताद, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जी। अच्छा, पहले आपने शो करवाया था उन कबूतरों का। हाँ, ये देखिए और इनके पल्ले।
पर देखिए, वाह 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 उस्ताद मजा आ गया। पर एक बार ऊपर दिखा दे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको इससे पहले वीडियो में भी इस तरीके के दो तीन कबूतर दिखाए गए थे जो कि बिल्कुल लाइट कलर के थे, गुलाबी, जिनका नाम ही गुलाबी था। हाँ, गुलाबी तांबड़े। जी जी हाँ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इनके उस्ताद वाले कबूतर। रिजवान भाई, इनकी खास बात ये होती थी कि देखिए जिस टाइम ये दुम खोलते थे तो ये सब सिक्के बोलते हैं हम लोग इसको। जी, मतलब ये ये बहुत होना जरूरी है। जी जी जी, तो बड़ा उड़ते हुए अभी मैंने देखे ऊपर जो उड़ रहे थे, बड़ा खूबसूरत लगते हैं उड़ते हुए। और ये धूप में बहुत खूबसूरत, ये सफेद किनार पूरी दिखती है, बहुत उम्दा। बिल्कुल वो लेयर सी बनी होती है बड़ी। देखिए और ये देखिए पंजे, देखिए दोस्तों। ये कबूतर देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम किस दौर के अंदर चले गए। कुल मिला के ये नस्लें अब मुझे, मतलब अपनी बचपन में मैं देखा करता था, अब ये यूपी में तो फिर भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अमूमन ये नजर नहीं आती। नस्लें बहुत खत्म होने की कगार पर है। तो आप देख लें दोस्तों, ये तांबड़े कबूतर, कन खुले तांबड़े, और कितना प्यारा जो है ये गंडे लिए हुए हैं। गंडे भी दिखाए, वाह वाह वाह। ये देखें दोस्तों, जवाब नहीं साहब, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। दोस्तों मजा आ गया होगा आपको यहाँ पर शौक करके, वाह 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 वाह। ये कहना साहब मादीन है जी, पर दिखा दीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो पर का शौक करें, और ये गंडे वाकई बिल्कुल जैसे हरों के होते हैं ना, सब जैसे सबसे हरे होते हैं, और हमारे यहाँ बाजरों में गंडे होते हैं। हाँ। तो उस तरीके के बड़े खूबसूरत गंडे हैं साहब। और ये कानों पे से जी, और अच्छा कानों पे आप देख रहे हैं फेड फेड सा, ये वाला, ये कन खुले, कन खुले बोलते हैं। क्या बात है, कन खुले कबूतर। तो दोस्तों माशाल्लाह आपको मजा आ गया होगा यहाँ पर शौक करके। रिजवान भाई, इसके लिए सब वही अच्छा चीज आएगी। बड़ा प्यारे लगते हैं ये जब उड़ते हैं, तो जो मतलब एक अजीब सी, मतलब ये अलग दिखते हैं, ये अलग लेयर सी अलग दिखती है, बड़े खूबसूरत। उड़ने में भी बहुत अच्छे हैं जी, सियान उड़ान बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ही उम्दा किस्म के। एक और बड़ा कबूतर दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पर हम शो कर रहे हैं तांबड़े कबूतरों का, सारे कबूतर दिखा के जाऊंगा आज इंशाल्लाह। अगर अंधेरा हो गया तो बात अलग है, उससे पहले जितने दिखा सकता हूं मैं जरूर दिखाऊंगा। ये भी बहुत पुराना कबूतर है हमारा। जी जी। और ये हमारे कन खुले देखिए। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कॉमेंट करके, ये पुरानी नस्लें देख कर आपको कैसा लगा। उस्ताद नीरज जी के यहाँ इन्होंने एक से बढ़ के एक नस्लें जो है माशाल्लाह आज भी संभाल कर रख रखी हैं। ये आप जैसे लोगों की मेहनत है उस सोहेल भाई, वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। वाह वाह वाह, ये ऐसे प्यारे प्यारे, मतलब उड़ते वक्त तो ऐसे नज़ारे होते हैं इनके, बहुत बहुत उम्दा साहब। पंजे भी देखिए, पंजे भी बिल्कुल डार शानदार। अब मैं अंदर ही दिखा देता हूँ जाके सारे, इसमें बच्चे भी हैं। हाँ कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप देख लें यहाँ पर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आप देख रहे थे, ये नारंगी गिरी वाला दिखा दो, नीरज जी के यहाँ। अलीगढ़ की एक फेमस नस्ल जो कि कन खुले कहलाते थे, आप देखेंगे कन खुले। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं दोस्तों। इसका लीजिएगा ये जो खड़ा हुआ है, ये देखें आप। वाह 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 वाह, जवाब ही नहीं। देखें आप इसकी स्टैंडिंग लेंथ और इसके कन खुले कबूतर, ये देखें। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा, आप देख रहे थे अलीगढ़ के अंदर ये पुरानी पुरानी नस्लों के कबूतर, और सारे कबूतर मैंने आपको दिखाए यहाँ पर शाहजहाँपुरी वो कोने में, इससे पहले आप देख चुके हैं। देखिए, और उसके बाद ये बीच में और नस्लों के, और इसके बाद आपको ये खास तौर से मैंने दिखाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा आपको, और इसी के साथ हम सोहेल भाई से इजाज़त लेंगे और सोहेल भाई से पूछेंगे कि आगे कौन से और कबूतरों का ये शो करवाने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर। सोहेल भाई, ये तो हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं वीडियो। बस एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, बस दिखाइए। देखिए ये कबूतर कन खुला, कन खुला यहाँ भी है। हाँ, अलग अलग यहाँ, अलग अलग बहुत सारे। वो एक्चुअल में क्या था, पहले नजर लग जाती थी एक एक जालों में। अच्छा, तो इसलिए थोड़े थोड़े से इधर उधर, फिर बीमारी से भी बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं। हाँ, एक लोफ्ट में आ जाए ना, वो कन खुला वो। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि अगर एक लोफ्ट के अंदर बीमारी आ गई तो कम से कम कहीं और होगा।
तो वहाँ बचा रहेगा कबूतर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अभी ये क्रीज खड़ा है रिजवान भाई जी, ये देखिए वाह खूबसूरती, वाकई में काबिल तारीफ। और खूब उड़ते हैं उस्ताद, बहुत उड़ते हैं बहुत। देखें दोस्तों जितने आते थे उस जमाने में ये तांबड़े कबूतर, अब नहीं देखना ही नसीब नहीं होते, ये खाली अब यही नसीब हो रहे हैं। मैं तो देखना यूपी में ही मिल जाते हैं कुछ शौकीन लोगों के पास, बाकी अगर हम वैसे देखना चाहें तो कहीं ये बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया माशाल्लाह। चलिए तो सोहेल भाई हमें इजाज़त दें और बताएं कि अगली वीडियो में हम कौन सा कबूतर देखेंगे और कौन सा कबूतर आप। तो सोहेल भाई यहाँ पर ये कबूतर भी हैं आपके, डब वाले भी देखे मैंने जी जी, और टेडी भी हैं, मतलब कोई मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ। ये सियालकोट वाले जो कहते ना कि सियालकोट भी ओरिजिनल है दोस्तों, तो इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट में मैं आपको सियालकोटी का शो करवाता हूँ, और वो भी ओरिजिनल है उस्ताद, बिल्कुल 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 ओरिजिनल। तो दोस्तों मजा आ जाएगा, अगली वीडियो भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जयपुर टॉक पिजन्स चैनल को। और इसी के साथ आप अपने भाई रिजवान अली साबरी को इजाजत दें, और आप देख रहे थे सोहेल भाई के साथ उस्ताद जी महेश्वरी के यहाँ, आप अलीगढ़ के अंदर शो कर रहे हैं। और चलिए तो दोस्तों अलविदा, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।